अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद है तुम आप खैर खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह कॉलर का इतना आसान तरीका सिखाऊंगा। मेरी जितनी बहनें हैं घर में जो काम करती हैं, या वो मेरे भाई जिनको अक्सर ये मसला होता है कि यार हम कॉलर कैसे बनाएं, तो उनको इतना आसान तरीका आज मैं सिखाने वाला हूँ कि आपको फिर इंशाल्लाह आज के बाद ये मुश्किल ही नहीं होगी कि कॉलर हम कैसे बनाएँ। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आपको ले चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देखें मेरे भाई, ये कॉलर है, 12 इंच कॉलर है। जिसके गले का साइज़ 12 हो तो उसको ये लगेगा। ये 2 पीस कॉलर है, ये देखें, इसको इसी तरह खोल देना है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह आपने करना है। ये देखो, यहाँ पे आपने लेन लगा देना है। अब यहाँ पे जो ये पीस है इसको आप काट दें। ये इतना आसान तरीका है, इंशाल्लाह आपको फिर कॉलर में मुश्किल ही नहीं हो। ये देखें आप, अब इसके साथ आप ये नाप लें तो ये बिल्कुल ठीक है। ये इसके नोक वाली तरफ है, ये देखें, ये नोक वाली साइड है। अब इसके साथ ये नाप लें, ये भी बिल्कुल सही है। इससे सिर्फ ये फालतू जो मार्जिन है ये काट लेना है। यहाँ से अगर आपने गोल लेना है या सीधे इसको लाना है, ये आपकी मर्जी। ये देखें, इस पे भी इसी तरह निशान लगा दें। तो ये देखें कॉलर बिल्कुल सेट है। ये हमारे कॉलर के जो कपड़ा है, ये देखिए कपड़ा लेना कितना है। तो ये इसका आसान तरीका ये है, यहाँ पे आप कॉलर लग दें, यहाँ पे इसका बैन। तो ये देखिए इसके लिए इतना कपड़ा काफ़ी है। इसी तरह इसको डबल फोल्ड करके रख दें, स्पेस भी कर दें। इसमें ये एहतियात करना है, ये जो मैंने निशान लगाया नोक का, इस तरह कपड़े के साथ ये जो डबल फोल्ड कपड़े हैं इसके साथ ये जाना है। ये देखें इसी तरह, तो पहले इसको लूज कर लें। अब ये दूसरा पीस भी इस पर ही लगा दें। अब यहाँ पे ये देखें इसके साथ बिल्कुल टच, ये देखें यहाँ पे इतना मार्जिन हो, तो यहाँ पे भी इतना ही छोड़ देना। ये इसी तरह बिल्कुल टच इसके साथ ये लगा दें। थोड़ा सा फासला हो तो खैर है, मगर ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना। ये मेरे उन बहनों के लिए जो घर पे काम करती हैं, उन्हें कॉलर का मसला होता है। ये देखें आप, इस पीस को भी आप इसी तरह लगा दें। ये बोन है, एक यहाँ पे लगा दे आप, साइड पे भी लगा सकते। ये मेरी वीडियो सिर्फ अपनी उन बहनों के लिए जो कॉलर नहीं बना सकते, बाकी जो प्रोफेशनल टेलरिंग है वो इस तरह कॉलर नहीं बनाते, उनका तरीका अलग है। यहाँ से जो ज़्यादा कपड़ा है ये आप काट दें। और इसे भी फोल्ड कर दें, देखें। एक बात की तरफ आपका ध्यान रहे कि
कि इसकी सिलाई जो है मैं सफ़ेद धागे से लगाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल साफ नज़र आए और आपको समझने में आसानी हो। तो चले अब इसको सिलाई लगाते हैं। तो ये देखें, मैंने आपको बताया कि मैं सफ़ेद धागे से इसलिए करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें, यहाँ पे आपने ये सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका बिल्कुल जिस तरह मैं समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, इसे इसी तरह ये कपड़ा फिर काट दें। जो ज़्यादा कपड़े हैं ना इससे काट दें, यहाँ से भी काट दें। और यहाँ पे इस तरह टुक लगा दें, मगर ख्याल कर रहे हैं वैसे ना कलर आप काट ना दें, इसी तरह आराम से। तो ये देखें, अब चलते हैं, अब इसको इसलिए करते हैं। अब ये देखिए, इसको मैंने दूसरी तरफ पलटा दिया, अब इसे प्रेस कर दें आपको। ये देखें आप, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सफ़ेद धागे से इसलिए करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखें आप, कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। ये देखें, इसे इस तरह फोल्ड कर दें और इसे इस तरह देखें। चलो अब इसको इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं ताकि आपको सारा कलर समझ आ जाए। तो चलिए अब इसको आप देखें, ये सिलाई इस तरह लगाते हैं। ये देखें आप, ये सिलाई लगा दिया हमने। अब इसे जो फालतू कपड़े इस तरह आप काट दें, जिस तरह मैं काट रहा हूँ इसी तरह आप काट दें। एक बात आप समझ लें, अगर इस सिलाई में आपको मुश्किल हो इस सिलाई में कि ये कहाँ पे लगाना है, तो आप इस तरह कर सकते हैं, ये चाक से इस तरह आप निशान लगा लें। देखें, निशान आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, इसी तरह निशान लगाए तो आपको आसानी होगी। तो ये मेरे भाइयों, आपको यकीनन समझ आ गया होगा ये तरीका, ये कितना आसान तरीका है। तो मेरे भाइयों, इंशाल्लाह आपको ये तरीका समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीका है। आप घर में बैठे हो या शायद दुकान में या जहाँ पर भी हो, आप इस तरीक़ों को बहुत आसानी के साथ, इस तरीके के साथ आप कलर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको तरीका समझ आ गया होगा।